हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। आज मैंने बहुत ही यम्मी डिलीशियस रेसिपी बनाई है। इसके लिए मैंने 200 ग्राम भिंडी को अच्छे से धो के सूखे कपड़े से साफ करके लिया है। इसको हमें ऐसे बीच में से कट करके, फिर एक बार कट करके एक भिंडी के हमें 4 पीस करने हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी के बहुत ही कुरकुरीत और चटपटे पकोड़े। इसी तरह से हमें पूरे भिंडी को कट करके लेना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने पूरे भिंडी को इसी तरह से कट करके लिया है। भिंडी को गीला मत कट करना है, उसको सुखा के ही कट करना है। फ्रेंड्स, एक बड़ा बाउल लिया है, मिक्सिंग बाउल, उसमें हमें सबसे पहले भिंडी डालना है जो हमने कट करके रखी थी। इसके लिए मैंने एक छोटी कटोरी से एक कटोरी बेसन लिया है, एकदम से छोटी कटोरी है। फ्रेंड्स, और कुछ मसाले लिए हैं, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर लिया है, स्वाद अनुसार नमक, और 2 बड़े चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर का ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, क्योंकि भिंडी में मिर्च ज़्यादा रहे तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। पूरे मसाले डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है भिंडी के साथ। हमें इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं छोटे गिलास में पानी लिया है, खाली 2 चम्मच पानी ऐड किया है। बाद में और थोड़ा लगेगा तो यूज़ करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसको हमें गाढ़ा ही बनाना है, इसका बैटर। बैटर गाढ़ा बनाने से पकोड़े बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। आप एक बार इस तरह भिंडी के पकोड़े बना के देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद है ये पकौड़े। ये देखिए, बाद में थोड़ा सा ही पानी लिया है, 1 चम्मच इतना, और वही पानी में अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, हमें ऐसे रहना रखना है इसको। अब इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, उसमें तेल भी डाल दिया था। तेल गर्म होने के बाद ही हम इसमें पकोड़े डालेंगे। हमें पकोड़े को हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है, बहुत ही क्रिस्पी बनाने हैं पकोड़े। अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हमें इसमें पकोड़े डालने हैं भिंडी के। हमें गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स ये पकोड़े। मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने पकौड़े डाल दिए हैं। अब गैस बिल्कुल भी कम नहीं करना है, हाई फ्लेम में ही इसको अच्छे से फ्राई करना है। उलट उलट करके अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छे आ रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी। आपने एक बार इसे ऐसे बना के खा लिए तो आप प्याज के पकोड़े खाना ही भूल जाएंगे, इतने यम्मी लगते हैं ये पकोड़े। आप यूँ स्नैक्स के टाइम भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हमें इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए, और थोड़ी देर मैंने रखा था थोड़ा और क्रिस्पी बनाने के लिए, अब निकाल ले रही हूँ। मैंने बचा था बैटर, उसको भी डाला है। सेम प्रोसेस है, हमें इसको भी क्रिस्पी होने तक फ्राई करके लेना है फ्रेंड्स।
ये देखिए खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं क्रिस्पी करारे भिंडी के पकोड़े। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक यू।